हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल टॉपिक सामाजिक भेदभाव की समाप्ति के उपाय। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो सामाजिक भेदभाव की अवधारणा क्या है और सामाजिक भेदभाव क्या होता है, तो अब इस वाले वीडियो में अपन को क्या है सामाजिक भेदभाव की समाप्ति के उपाय क्या क्या है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं, पहला स्वतंत्रता देना, मतलब अगर हम किसी को स्वतंत्रता देंगे तो क्या होता है कि जो भेदभाव है वो कई हद तक क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, समावेशीकरण के लिए शारीरिक निर्योगता जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं या मानसिक निर्योगता से पीड़ित या सामाजिक भेदभाव के शिकार SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन सभी का समावेश सामाजिक भेदभाव को खत्म कर देने में सहायक सिद्ध होगा। समावेशीकरण के लिए, समावेशीकरण यहां पर क्या है इंक्लूजन, समावेशीकरण के लिए इन्हें सामाजिक स्थलों शैक्षिक संस्थानों पर स्वतंत्रता से आने जाने की अनुमति होनी चाहिए। किनको अनुमति होनी चाहिए? शारीरिक निरोगता हो, चाहे मानसिक निरोगता हो, या SC अनुसूचित जनजाति, ST व पिछड़े वर्ग, चाहे अनुसूचित जाति, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी वंचित क्षेत्र से व्यक्ति हो, उसको क्या है हमें पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। कहां पर? सामाजिक स्थल जो सोशल प्लेसेस होते हैं वहां पर, शैक्षिक जैसे कि विद्यालय है, महाविद्यालय, इनमें क्या है इनको स्वतंत्रता देनी चाहिए आने जाने के लिए, मतलब इनको वहां पर प्रॉपर तरीके से इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्थल हो चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो। इसी प्रकार दूसरा है समानता देना, इसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा के लिए अक्षम बालक, मतलब जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, अक्षम बालक को सामान्य बालकों जो नॉर्मल बालक होते हैं के साथ अध्ययन करने की अनुमति देनी होगी, जिन्हें समाज समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे अक्षम बालक हो या वंचित बालक हो, इनको क्या है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, तभी इनका क्या है समावेशन संभव हो पाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, आवश्यकता की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, मतलब जो इंसान की बेसिक नीड होती है, जो आवश्यक नीड होती है उनको क्या है हमको प्रोवाइड कराना चाहिए जो लोग इस आवश्यकता से वंचित हैं। देखते हैं, समाज से भेदभाव के कारण अलग हुए गरीब बालकों को मुफ्त किताबें, अगर उनको किताबों की जरूरत है जो वंचित बालक, उनको मुफ्त किताबें, कपड़े और आवश्यकता पड़ने पर भोजन की व्यवस्था सरकार की सहमत से सरकारी व निजी विद्यालयों में कराई जा सकती है, मतलब चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, अगर वंचित वर्ग है, जरूरत वाला बालक है जिसको जरूरत है, उनको किताबें हो या कपड़े हो या भोजन हो, उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो निजी हो विद्यालय या सरकारी विद्यालय, तभी क्या है तभी ये मुख्यधारा में आ सकते हैं। अब देखते हैं 4 पॉइंट, आर्थिक मदद प्रदान करना, मतलब इकोनॉमिक हेल्प। देखते हैं, शिक्षा योजना हेतु यहां पर कही है केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता राज्य सरकारें, मतलब केंद्र सरकार को जो राज्य की सरकारें हैं को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विशिष्ट बालकों को छात्रवृत्ति प्रारंभिक स्तर 1 से 8, प्रारंभिक स्तर होता है 1 से 8, प्राथमिक होता है 1 to 5, उच्च प्राथमिक होता है 6 to 8, हमने यहां पर कहा है प्रारंभिक स्तर 1 से 8, प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक 9वीं और 10वीं, उच्च माध्यमिक 10वीं और 12वीं पर बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए। कहने का मतलब है जो वंचित छात्र हैं, जो शोषित छात्र हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनको क्या सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करे जिससे क्या उनका शिक्षा
शिक्षा प्रक्रिया आसानी से आगे चलती रही, शिक्षा में किसी भी प्रकार की उनके में बाधा नहीं आई। पांचवा पॉइंट है नए स्थानों पर विद्यालय खोलना, मतलब ऐसे विद्यालय जहां पर अगर शिक्षा का प्रसार और प्रचार नहीं हुआ है वहां पर क्या है राज्य सरकार इस पर प्रगतिशील हो और ऐसी जगह पर क्या है विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करें। देखते हैं विद्यालय को ऐसे स्थानों पर खोले जाने की सरकारों को अनुमति प्रदान करनी चाहिए जहां शिक्षा के प्रचार और प्रसार को अभी कोई माध्यम नहीं है, मतलब ऐसे क्षेत्र ऐसे एरिया ऐसी जगह ऐसे गांव जहां पर शिक्षा पूर्ण रूप से पहुंची नहीं है, विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां पर क्या है नए विद्यालय खोले जाए और शिक्षा का आसानी से प्रचार प्रसार किया जाए और जो वंचित क्षेत्र है वंचित बालक है वंचित लोग हैं वो शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित हों और रोजगार के उन्हें अवसर प्रदान हो, तभी क्या है वो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। नंबर सिक्स आवास की सुविधा प्रदान करना, कहने का मतलब है वे विद्यालय जहां विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल नीड्स चाहिए आवश्यकता वाले बालक अध्ययनरत हैं, मतलब जहां पढ़ रहे हैं उन विद्यालयों में इन बालकों के लिए आवास की सुविधा मतलब रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे ये बालक शिक्षा को बिना कठिनाई के ग्रहण सके, तभी उनका समावेशन संभव होगा। कहने का मतलब वो विद्यालय जहां पर विशेष आवश्यकता वाले वंचित छात्र अध्ययनरत हैं वहां पर इनके लिए आवास की सुविधा मुहैया कराई जाए, आवश्यक वस्तुएं इनको मुहैया कराई जाए और इनको क्या शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए, इनके रोजगार के अवसर प्राप्त हो और ये क्या है आगे चलकर समाज का और देश का क्या है जो पृथ्वी के आय उसमें क्या है बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये रोजगार के अवसर मिलेंगे तो क्या है बेरोजगारी कम होगी, जब बेरोजगारी कम होगी तो क्या होगा हमारे देश का क्या है इकोनॉमिक जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो ये थे मुख्य सामाजिक भेदभाव की समाप्ति के उपाय जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।